बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को आर्मी की भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ गए, जिस वजह से हंगामा हो गया। पटना से सटे दानापुर में आर्मी भर्ती के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सैनिक चौक के पास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है यहाँ निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा, लगभग 25 से 30 हजार उम्मीदवार पहुँच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूँ खुशबू झा। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आयोजन स्थल की क्षमता सीमित होने के कारण यहां अव्यवस्था फैलने लगी और इसके बाद अभ्यर्थी उग्र हो गए। हालात संभालने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत करने और भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए सभी अभ्यर्थियों को समझाया बुझाया और हंगामा शांत करवाया। आर्मी का जो भर्ती को लेकर इधर सैनिक चौक के पास जो आर्मी कंटोनमेंट है, उधर 25 हजार के आसपास लोग पहुँच गए थे रिक्रूटमेंट को लेके, बट कैपेसिटी जो आर्मी का था बहुत कम था, तो उसे बहुत मल्टीपल टाइम्स लोग पहुँच गए थे, इससे ज़्यादा भीड़ हो गया था सैनिक चौक में। लोग भी मतलब थोड़ा सा उग्र हो गए थे कि जब पता चला कि आज का जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी जो भीड़ है 25 हजार 30 हजार के आसपास जो लोग थे, उन लोगों को अभी समझा के सब लोग पुलिस सब लोग मिल के समझा के अभी इधर से भीड़ हटा दिए। अभी और भी भीड़ कुछ कुछ है इधर सैनिक चौक के आसपास और पटना की तरफ जो जा रहे हैं, उन लोगों को अभी समझा के इधर से आराम से निकलवा रहे हैं। क्या वजह रही कि जो हंगामा हो? नहीं, हंगामा टाइप का कुछ नहीं है, उन लोगों का कैपेसिटी जो रिक्रूटमेंट का है वो तो लिमिटेड है, तो बट जो भीड़ जो आए हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स लोग आए हैं, अराउंड 30 हजार के आसपास अभी आकलन कर रहे हैं, और भी हो सकता है, बट उतना तो कैपेसिटी रिक्रूटमेंट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन पहले होना चाहिए था, तो अभी सब लोग को समझा दिए हैं और अभी आराम से कर रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है? अभी स्थिति सामान्य है। आज की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई? सॉरी, आज की भर्ती प्रक्रिया भर्ती तो चल रहा है, उन लोगों का जो कैपेसिटी आज का जो रिक्रूटमेंट का है वो अभी चल रहा है, वो तो लगातार चलता ही रहेगा, बट आज का जो यही है कि पूरा बिहार का पूरा भीड़ आ गया है, पूरा मतलब एक्सपीरियंस है, वो सब लोग आ गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गया। अभी स्थिति सामान्य? अभी स्थिति बहुत सामान्य है। बताया जा रहा है कि 12 नवंबर से TA यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को BRC के PT मैदान में दौड़ के लिए बुलाया जा रहा है। शनिवार को दौड़ में शामिल होने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से करीब 30 हजार युवा पहुंच गए। तब अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए भर्ती अधिकारियों ने दौड़ की प्रक्रिया स्थगित कर दी। कोई सूचना नहीं दी जा रही है? कोई सूचना नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग इसीलिए नाराज हो रहे हैं, है ना? पूरा नाराज है। अच्छा, नहीं कोई सूचना नहीं दे रहा है लोग? कोई नहीं। बच्चा ज्यादा है, धीरे-धीरे काम लेगा ना। किस चीज का बहाली? टिटोरियल है आज? हाँ, टिटोरियल आर्मी। देखिए, सबसे पहले टिटोरियल भर्ती है, ठीक है, रात में आए हैं, रात में आए हैं, तो यहाँ पंडाल वंडाल का कोई चीज व्यवस्था नहीं है, निगरानी का व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी का कुछ व्यवस्था नहीं है, और विद्यार्थी है डिसिप्लिन नहीं है, उसके बाद सारे इधर इधर उधर भाग रहे हैं, कब तक भर्ती लेगा हम लोगों को बाहर में इधर से उधर घूम रहे हैं। ये भी डिसीजन नहीं बता रहा है कि कब तक? डिसीजन नहीं अभी तक बता रहा है कि ये डिसीजन होगा, कब होगा बहाली, हो सकता है शायद रात भी हो सकता है हम लोगों का। अग्निवीर वाला ही BRC है? नहीं, अग्निवीर नहीं है, टिटोरियल आर्मी है, ओपन बहाली है। ऐसे में नाराज अभ्यर्थियों ने सैनिक चौक पर जाम लगा दिया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। प्रशासन ने अपील की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी उम्मीदवार आयोजकों की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हो हंगामे के बाद फिर से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई। आपके लिए इस खबर की जानकारी जुटाई पटना से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर और सुजीत कुमार ने। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।